नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। आज की हम ये जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, ये है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज। इस वीडियो को आप देखिए और अगर आपकी क्वालिफिकेशंस इस जॉब नोटिफिकेशन से मैच होती है तो इसको आप अप्लाई ज़रूर करिए। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए और अपने यूज़फुल कमेंट्स दीजिए ताकि इस चैनल को और बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज़ है इसमें। तो पहले वैकेंसीज़ है, ये है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की, जिसमें रिक्रूटमेंट है एडवोकेट पोस्ट के लिए और नंबर ऑफ़ पोस्ट है 276। ये जो एडवोकेट हैं, इसके अलावा एक्सपीरियंस इन बैंकिंग लॉज, डीआरटी मैटर्स, एनसीएलटी, हाई कोर्ट, स्टेट कमीशन मैटर पर्टेनिंग टू सारफेसी एक्ट 2002, कॉरपोरेट लॉ, सर्विस मैटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा और अगर आपकी क्वालिफिकेशन इससे मैच होती है, एक्सपीरियंस मैच होता है, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 276 और लास्ट डेट है इसकी 26 अगस्त, और ये यहाँ पर लिंक दिए गए हैं अप्लाई और इसका नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए। चलिए अगली वैकेंसी देखते हैं। ये सेम नोटिफिकेशन की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वैकेंसी वाइज, तो वहाँ से इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखते हैं, ये है NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की, जिसमें 340 पोस्ट है साइंटिस्ट बी के लिए और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो इसमें 81 पोस्ट है साइंटिस्ट बी के लिए, 259 पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और इसकी जो लिंक दी गई है इसका PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी अगर आपको अप्लाई करना है तो इस लिंक पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ये है आपकी करने के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये 28 जुलाई से चालू हो चुका है और ये 28 अगस्त तक रहेगा। अगली पोस्ट देखते हैं, ये है पावर ग्रिड रिक्रूटमेंट की, जिसमें 17 पोस्ट है मैनेजर इंजीनियर ऑफिसर्स के लिए। तो यहाँ पर ये पोस्ट इनका डिटेल दिया गया है और इसकी जो भी क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, वो आप इसमें PDF में जाके देख सकते हैं और इसकी आप जो अप्लाई है इसको आप कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है, ये है इरकॉन रिक्रूटमेंट की, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, मैनेजर है। वैकेंसीज की लास्ट डेट है 9 अगस्त। तो ये मैनेजर है, इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है एंड पर्सनल असिस्टेंट है, और इन सब का पे स्केल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं और इसको आप अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच होती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जैसे मैंने बोला इसकी 9 अगस्त है और इसकी जो PDF है वो यहाँ पर इस लिंक में आपको मिल जाएगी। अगली पोस्ट है ये बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट की है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, 9900 पोस्ट है कांस्टेबल्स की और इसकी लास्ट डेट है 30 अगस्त। तो कांस्टेबल पोस्ट है जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है 10+2 यानी 12th होना चाहिए या फिर कोई भी इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। एज लिमिट यहाँ पर दी गई है, पे स्केल आपको यहाँ पर दिया गया है और इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 31 जुलाई से स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट है 30 अगस्त। और इसकी जो PDF इस लिंक से मिल सकती है और आपको अगर अप्लाई करना है तो इस लिंक पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है ये भी पुलिस डिपार्टमेंट की है लेकिन झारखंड की है ये, जिसमें 692 पोस्ट है रेडियो ऑपरेटर वैकेंसीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको दी गई है वैकेंसीज़ की डिटेल, जिसमें अनरिजर्व के लिए मेल में 233 है, वैसे ही फीमेल में अनरिजर्व के लिए 115 है और आगे देखेंगे तो रेस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए पोस्ट दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी इंटरमीडिएट पास यानी 12th होनी चाहिए इन साइंस सब्जेक्ट्स विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर दी गए हैं और एज लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है 19 ईयर्स या मैक्सिमम 26 ईयर्स, और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप यहाँ पर लिंक दी गई है, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, ये अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी यहाँ पे दी गई है। अगली वैकेंसी है, ये है ओडिशा PSC रिक्रूटमेंट, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जॉब्स हैं और ये लास्ट डेट है इसकी 28 अगस्त। टोटल वैकेंसीज़ है 230, जिसमें क्वालिफिकेशन चाहिए MCOM, MPharma वगैरह वगैरह यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। एज लिमिट यहाँ पर दी गई है यहाँ पर आपको, और एलिजिबिलिटी है कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट में कंसर्न जो दिया गया है उसमें मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दी गया है और इसके आप लिंक में जाके इसकी डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं या
इसको आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है ये NIELIT दिल्ली रिक्रूटमेंट है, जिसमें ट्रेड्समैन, साइंटिफिक, टेक्निकल असिस्टेंट एंड वेरियस वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 372, और इसमें जो आप देखेंगे साइंटिस्ट ए के लिए यहाँ पर है, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में ये दिया गया है, साइंटिफिक ऑफिसर ये दिया गया है, ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है, एज लिमिट दी गई है। देखिए सबका आपका पे स्केल भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन इससे मैच हो रही है और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें इस वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट देखते हैं, ये है ओडिशा SSC रिक्रूटमेंट 2017 जूनियर क्लर्क। इसमें पोस्ट है 765, ये पोस्ट है 765। इसकी एडवर्टाइजमेंट डेट जो इसकी है वो 28 जुलाई की एडवर्टाइजमेंट डेट है ये, और इसकी एप्लीकेशन हो गई है 1 अगस्त से चालू, लास्ट डेट है इसकी 31 अगस्त। एज लिमिट यहाँ पे दी गई है, एज रिलैक्सेशन है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें 12th पास मांगा गया है विथ नॉलेज इन बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, और यहाँ पर आपको लिंक दी गई है अप्लाई करने के लिए। अगली वैकेंसी देखते हैं, ये क्या है, DSSB रिक्रूटमेंट स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रेड 4-3 ट्रॉट्समैन एंड अदर जॉब। इसकी लास्ट डेट है 28 अगस्त। इसमें वैकेंसीज है 1074 प्रिसाइज वैकेंसीज। इसमें आप देखिए पोस्ट क्या क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क, ग्रेड 4, ग्रेड 2, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, और यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी दी गई है 12th क्लास वगैरह, यहाँ पे भी 12th क्लास है। ग्रेड 2 के लिए डिग्री चाहिए, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, जूनियर सिविल के लिए डिप्लोमा। इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं पूरी वैकेंसीज, टोटल पोस्ट है 1074, और क्वालिफिकेशन अगर दिखाएं तो यहाँ पे दी गई है, हालांकि ये क्वालिफिकेशन अलग अलग वैकेंसीज के जो कि मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फ़ीस है 100 रुपीज़, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। डाउनलोड ऑफ नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट्स की लिंक यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। अगली पोस्ट है इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें 34 पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर अकाउंटेंट एंड वेरियस वैकेंसीज है। लास्ट डेट है इसकी 4 सितंबर, तो यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज और उसके बारे में दिया गया है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, जूनियर अकाउंटेंट की नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है, सीनियर अकाउंटेंट की नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है, और स्टाफ कार ड्राइवर की नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस लिंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगली रिक्रूटमेंट है BECL रिक्रूटमेंट, जिसमें 25 पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, लास्ट डेट है इसकी 18th ऑफ अगस्त, और आप देखेंगे इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी है इसका 300 रुपीज़। 25 पोस्ट है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर्स इन गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडीज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, एज लिमिट है 21 to 45 ईयर्स, मंथली सैलरी 21,000 रुपये है, और इसकी आप लिंक दी गई है जहाँ आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका अप्लाई करने का भी एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगली रिक्रूटमेंट है IIT बॉम्बे से, इसमें 17 पोस्ट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट एंड अदर्स। लास्ट डेट है इसकी 7th ऑफ अगस्त, तो टाइम ज़्यादा नहीं है, इसको आप इंटरेस्टेड इस वैकेंसी में तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज दिया गया है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन एंड ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक दिए गए हैं, तो लिंक के सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इनकी लिंक, इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगली वैकेंसी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI रिक्रूटमेंट, जिसमें 40 पोस्ट है मरीन इंजीनियर्स की, लास्ट डेट है 23rd ऑफ अगस्त, तो एप्लीकेशंस इनवाइटेड है अनमैरिड मैकेनिकल इंजीनियर्स एडमिशन के लिए ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर्स कोर्स, जो कि मरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पवई में, वहाँ पर स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से। नंबर ऑफ सीट्स है 40, इसमें एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है कि डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या BE/BTEC इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फाइनल ईयर्स वगैरह भी इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं, और इनमें 50% मार्क्स इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है मिनिमम 28 ईयर्स,
डिस्क्रिप्शन दिया गया, इसमें आप जाके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है गुजरात हाई कोर्ट की, जिसमें 109 पोस्ट है स्टेनोग्राफर की। इसकी लास्ट डेट है 15th of August। तो इसमें आप देखेंगे इंग्लिश स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट है और एक गुजराती स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसमें इंग्लिश के लिए 70 पोस्ट है और इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए और इसमें आपको ये एक और भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे आपकी शॉर्ट हैंड इंग्लिश की स्पीड है 120 वर्ड्स पर मिनट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज़ एसेंशियल, सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश गुजराती एंड हिंदी लैंग्वेज। एज लिमिट यहाँ पे दी गई है 21 से 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। वैसे ही गुजराती स्टेनोग्राफर की दी गई है 39 पोस्ट और इसमें इंग्लिश शॉर्ट की जगह गुजराती शॉर्ट हैंड 90 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और ये सब यहाँ पर दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी है इसकी 500 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट्स के लिए और रिज़र्व के लिए 250 रुपीज़ है। लास्ट डेट इसकी है 15th of August और यहाँ पर आपको ये PDF दिया गया डाउनलोड करने के लिए लिंक और आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है ये उत्तराखंड की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है, जिसमें 190 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट है जिसकी लास्ट डेट है 25th of August। तो यहाँ पर ये पोस्ट का ब्रेकअप दिया गया है, इसमें आप जाके इसकी जो भी PDF है इसकी आप ओपन करके इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जिसमें 3 टाइप्स की पोस्ट है। एजुकेशन कैडर में 102 पोस्ट है और इसका ब्रेकअप दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में 1 पोस्ट है, इसका ये ब्रेकअप दिया गया है। मेडिकल एंड टेक्नीशियन कैडर की 87 पोस्ट है और इसका ये ब्रेकअप दिया गया है। तो इसकी लास्ट डेट है 25th of August और आप इसकी ये लिंक में जाकर देख सकते हैं और इसको अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कि आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वैकेंसीज जो भी है उसके लिए आप जो प्रिपेयर करें उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।